बड़ौरा विधानसभा क्षेत्र के पंडितपुर मटकपुर नेकनाम टोला रामसागर के सैकड़ों लोगों ने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसका नेतृत्व जाप के युवा जिला अध्यक्ष रघुपति यादव ने किया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में मुख्य रूप से मटकपुर पंचायत के मुखिया सुमित कुमार सहित सैकड़ों लोगों ने जाप का दामन थामा। मटकपुर पंचायत के मुखिया सुमित कुमार ने कहा कि बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में रघुपति यादव और जन अधिकार पार्टी की आंधी है। स्थानीय लोग उन्हें अपने बेटे के रूप में देख रहे हैं। अब की बार बड़हरा में बदलाव होना सुनिश्चित है। सदस्यता अभियान कार्यक्रम का नेतृत्व करता जाप युवा जिलाध्यक्ष रघुपति यादव ने कहा कि बड़हरा विधानसभा में अब तक 10,000 लोग जुड़ चुके हैं और यहाँ कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर यही जनता हमें चुनती है तो बाढ़ मुक्त बड़हरा बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। सदस्यता अभियान कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित बड़हरा प्रखंड अध्यक्ष छोटेलाल राय, आरा प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार, युवा नेता नंदलाल राय, छात्र जिला अध्यक्ष रितेश कुमार, राजीव रंजन उर्फ यादव, गायक सह अभिनेता हरि ओम जी, सत्येंद्र कुमार सहित दर्जनों जाप नेता उपस्थित थे। सदस्यता ग्रहण करने वालों में मुखिया सुमित कुमार, बिमलेश पांडे, चंदन पांडे, विकास कुमार, बबलू कुमार, शिव शंकर राम, देवेंद्र राम, गौतम नंदलाल पांडे, दशरथ पांडे, नंजी राम, उमा शंकर पासवान, धनंजय पासवान, सुनील यादव, राजकिशोर पासवान, शिव कुमार राय, योगेंद्र रजक, गोपाल जी, राम कुमार यादव, शंभु पासवान, कन्हैया कुमार सहित 200 से ज्यादा लोगों ने जाप में सदस्यता ग्रहण किया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में मुखिया सुमित कुमार, वहीं सदस्यता अभियान के तत्पश्चात विद्यालय और ट्रांसफार्मर का जायजा लेने पहुंचे रघुपति यादव बोले, स्थिति बदतर है। पंडितपुर के ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग रखी, उसको जल्द से जल्द बदलवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति लगभग यही है, जिससे क्षेत्र के लोग काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। फसल नहीं उग रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, सुखाड़ आ रहा है, इनकी बुखार आ रहा है, लेकिन सदर तान के सोए हुए हैं। इनको जरा सी भी इस चीज का एहसास नहीं होता है कि जो लोग वोट देकर आपको जिताए मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ी सवाल है। नीतीश कुमार जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने गरीबों के लिए कौन सी योजना चलाई है, आपने किसानों के लिए कौन सी योजना चलाई है, आपने छात्रों के लिए पढ़ने के लिए कौन सा अच्छा स्कूल बनवाने का काम किया है, कौन सा स्कूल में सिस्टम लाने का काम किया है जिससे सारे लोग बढ़िया से पढ़ सके। नीतीश कुमार जी, आप भूल रहे हैं कि यही जनता जीरो से हीरो बनाती है। हीरो से जीरो बनाने में भी एक दिन देर नहीं लगेगा। जिस दिन इस प्रदेश के नौजवान, युवा, किसान, छात्र, किसान, मजदूर जिस दिन जग जाएंगे, उस दिन आपकी खैर नहीं है, वो दिन भी दूर नहीं है। आपका स्तंभ खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समय अब दूर नहीं है, चुनाव आ गया है। आपको मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि आप जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के पंडितपुर गांव में यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या संदेश दिया लोगों को, किस तरीके से अपने पार्टी में जोड़ने का ऐलान किया? जी, हम लोग लगातार बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में जन अधिकार पार्टी का सदस्यता अभियान जारी है। हम लोग का प्रयास है बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर जन अधिकार पार्टी का मजबूती हो। 1 बूथ 10 यूथ के तहत हम लोग काम कर रहे हैं कि 1 बूथ पर 10 यूथ कम से कम होना चाहिए। पूरे जोरदार और धारदार हम लोग बनाने की तैयारी में है जन अधिकार पार्टी के, और लोग जुड़ भी रहे हैं। जिस तरीका से मेहनत किया जा रहा है पप्पू यादव द्वारा, लोग पप्पू यादव के दीवाने होते जा रहे हैं, उनसे मोहब्बत करने लगे हैं प्रदेश के लोग, इसमें कोई शक नहीं है। और उनको मुख्यमंत्री बनाने का
संकल्प लोग ले लिए हैं, हम देख रहे हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ, तो ये महसूस होता है। लोग कहते हैं कि नहीं, पप्पू यादव ही आएंगे तभी बिहार का कल्याण हो सकता है, तभी विकास हो सकता है, बदलाव हो सकता है सिस्टम से। तो हम लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, हमारी मुहिम तेज है और हम लोग लगातार जुड़ रहे हैं। अभी आपने जनता को संबोधित किया, ज़्यादातर बात तो आपने पप्पू यादव का ही किया, जन अधिकार पार्टी का किया, क्षेत्र के बारे में बहुत कम चर्चा की आपने। ऐसा बात नहीं है, क्षेत्र को हम लोग लगातार चर्चा में ले रहे हैं। हम हमेशा पदाधिकारियों से, अपने क्षेत्र की जनताओं से हम हर चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है यहाँ पर, भयानक, क्या ज़रूरत है यहाँ पर, किसकी आवश्यकता है चीज़ को लागू करने के लिए। तो हम उस एथी पर बात कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं समस्या है कि स्वास्थ्य केंद्र जितना भी है पंचायत स्तर पर भी, वो सब फेल्योर है, बंद पड़ा हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए पूरा सरकार जिम्मेवार है, जनप्रतिनिधि लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि इसका सदन में आवाज़ लोग उठाते नहीं हैं, पब्लिक के बीच में जाकर पब्लिक से मिलते हैं नहीं, तो पब्लिक का समस्या कैसे मालूम है? घर बैठे तो मालूम होगा नहीं। होगा आपके लिए इस क्षेत्र के, हमारे लिए यही मुद्दा होगा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ का यहाँ पर रोकथाम के लिए हम लोग लगे इस पर, और स्वास्थ्य के सवाल को लेकर हम लोग लगे, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग लगे कि बड़हरा समृद्ध हो, विकास हो, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लोग जुड़ भी रहे हैं, आज उन्हीं कड़ी में आज हम लोग इस पंडितपुर, करजा, मटुकपुर, रामशहर वगैरह हर जगह के यहाँ के लोग, विभिन्न गांवों के लोग जुटे हुए हैं और जन अधिकार पार्टी का सदस्यता लिए हुए हैं। यहाँ के मुखिया, मटुकपुर पंचायत के मुखिया जी हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, पार्टी में जुड़े हैं। पप्पू यादव को काम देखकर कह रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को जो काम है करने का तरीका है हमको बहुत पसंद आया। सारे लोग यही कर रहे हैं कि आप ही लोग हैं कि एगो आवाज़ उठाते हैं, विपक्ष का काम करते हैं, और नेता तो सोए हुए हैं अपने अपने एसी रूम में, उनको बाढ़, सुखाड़ और चिमकी बुखार से कोई मतलब नहीं है। रघुपति जन अधिकार पार्टी में ज्वाइन किया। पप्पू यादव का जो काम करने का तरीका है, हर आफत विपत्त के घड़ी में जो लगातार जनता के संपर्क में आ करके और जनता को मदद कर रहे हैं, जमीनी स्तर के वो नेता हैं, जिससे उसी के आने से हमारा बिहार का कल्याण हो सकता है, बदलाव हो सकता है, इस उद्देश्य से हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पिछली बार भी पप्पू यादव ने पटना में बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा काम, फिर भी जनता उन्हें नकार दिया, ऐसा क्यों? देखिए, जनता की काम है वो प्रलोभन पे जनता जो है कि नहीं भटक जाती है, वास्तविकता जो है मेरा नेता कौन है, देख रही है कि मेरा नेता कौन सा काम कर रहा है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। जितना हम देखे हैं मीडिया के माध्यम से कि कपार पर आलू को बोरा लेकर के, राशन लेकर के, जब पटना में बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़ थी, उस स्थिति में खुद अपने बोझा लेकर के कपार पे और गली गली घूम करके हर असहाय आदमी को मदद की, वैसे नेता हमको नहीं लगता है कि पूरे बिहार में है। पहला बढ़ारा क्षेत्र का दो तीन समस्या बहुत ज़्यादा है। पहला एजुकेशन दम फेल्योर है, स्वास्थ्य विभाग दम फेल है, बाढ़ की व्यवस्था चौपट है, इसके आप लोग क्या करेंगे आगे? देखिए, ये जो अभी सत्ताधारी जो बैठे हुए, जो सत्ता चला रहे हैं, जो सूबे के मुखिया हैं, उसको उनको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा शिक्षा का स्थिति बदतर होते जा रहा है, मेरा चिकित्सा का स्थिति जो है वो बदतर होते जा रहा है, बाढ़ का स्थिति जो है वो हर साल बाढ़ की स्थिति भीषण बाढ़ आती है, बावजूद इसका कोई फैसिलिटी सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। आप लोग की सरकार आएगी तो क्या कीजिए? हम लोग की सरकार आएगी तो तीन चीज़ पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे, चिकित्सा, शिक्षा और बाढ़ पे, ये सबसे हमारे बिहार के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुमित कुमार, मुखिया, ग्राम पंचायत मोटरपुर, प्रखंड बड़ारा, जिला भोजपुर।